हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रेरणा, आज मेरी सासू माँ खजूर बनाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो मम्मी, आप बताइए कि खजूर आप कैसे बनाएंगी, और सबसे पहले ये बताइए कि आप खजूर में किन किन चीजों का इस्तेमाल करने वाली हैं। ये 700 ग्राम मैदा है। अच्छा, और 200 ग्राम शायद होगा सूजी, वो डालूंगी मैं। मतलब एक बाउल, समझिए ना, ये बाउल दिखा दीजिए कितना बड़ा है ये बाउल। हाँ, तो और दूध है। हाँ, एक बाउल दूध है। 350 ग्राम चीनी डालूंगी इसमें। ये है ड्राई फ्रूट में किशमिश हो गया, काजू हो गया, घिसा हुआ नारियल हो गया। नारियल। और ये क्या है मम्मी कटोरे में? ये घी है। अच्छा, और किस चीज में आप छानेंगी? घी में। आप रिफाइंड में भी आप छान सकते हैं, पर मैं घी में जी। तो मम्मी ने पहले इसमें आपने डाला घी। तो पहले मम्मी ने तगारी में क्या डाला? घी है। घी डाला, फिर मैं दूध डालूंगी। दूध डाला फिर मम्मी ने, फिर चीनी डाल रही हूँ। फिर मम्मी ने चीनी डाला, पहले घी, उसके बाद दूध, उसके बाद चीनी। और इसको अब मिलाएंगी हाथों से, कि जब अच्छे से चीनी का पाउडर मिल जाए ना मम्मी। हाँ। तो मम्मी ने घी, दूध और चीनी को अच्छे से मिला लिया, और मैदा और सूजी को अब डालेंगी मिक्स करके। तो फ्रेंड्स, अभी मम्मी ने घी, दूध और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ड्राई फ्रूट, अब मम्मी ड्राई फ्रूट डाल रही है सूजी और मैदे में, और उसके बाद धीरे धीरे इस मिश्रण में डालेंगी मम्मी और मिलाएंगी इसे। मम्मी, आप इसमें पानी भी डालेंगी क्या? जरूरत पड़ेगा तो घी और डालेंगे, दूध डालेंगी, पानी नहीं पड़ेगा। वैसे पानी चीनी छोड़ता भी है। थोड़ा थोड़ा करके मम्मी इसमें डाल रही हैं, मैदा, सूजी और ड्राई फ्रूट का जो था वो सब मम्मी डाल रही हैं। तब इसको मम्मी इसी तरह से अच्छे से मिक्स करती रहेंगी। कितने देर तक करेंगी मम्मी? जब तक वो नहीं होगा बता दूंगी मैं, ऐसे बन जाएगा सामने के बाद। अगर जरूरत पड़ा तक और दूध डालूंगी, नहीं पड़ेगा तो नहीं डालूंगी, थोड़ा सा मैं डाल दी। आपने तो एक बाउल दूध लिया था ना मम्मी? हाँ। अभी तो आपको क्या लग रहा है इसमें दूध और पड़ेगा जरूरत? 10 मिनट तक इसको करना है, फिर चीनी भी पानी छोड़ती है। तो इसको मम्मी मिक्स कर रही हैं अच्छे से। अभी तो 5 मिनट्स हो गए, अभी लगता है कि 5 मिनट्स और मम्मी मिक्स करेंगी इसको अच्छे से। इसी तरह से करना है मिक्स जैसे मम्मी कर रही हैं। मम्मी ने इसको इस तरह से तैयार किया है, खूब मिलाते मिलाते। ये डोर तैयार हो गया। हाँ, तो अब मम्मी आप क्या करूंगी? अब इसमें वो तेल लगा रही है मम्मी, घी लगा रही है। ये खजूर बनाने का ये है ना, इसको क्या बोलते हैं? सांचा बोलते हैं ना शायद। हाँ, हमारे इधर बिहार साइड इसको सांचा बोलते हैं। तो इस पे ही मम्मी बनाएंगी इसको।
इधर से ले लेते हैं, इधर से अच्छे से आ जाएगा। तो इतना तेल मम्मी ने डाला है, कितना तेल है मम्मी? तो घी है, घी है ना, कितना है ये घी? ज्यादा मैं नहीं डाली हूँ, जरूरत पड़ेगा तो और डाल लूंगी। फिर भी हाफ के जी से थोड़ा कम है ना? हाँ, हाफ के जी साढ़े 300 ग्राम होगा। हाँ, 350 ग्राम मम्मी ने डाला है, फिर बाद में जरूरत पड़ेगी तो फिर बाद में भी डालेगी। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो कढ़ाई में कितना घी है। मम्मी ने ऐसे आप रिफाइन में भी छान सकते हो। हाँ, आपकी इच्छा है तो आप इसको रिफाइन में भी बना सकते हो, बट हमारे घर में घी है, अवेलेबल है अच्छे मात्रा में, तो मम्मी ने घी में ही बनाया। लेकिन और ये सांचा है, इस पे तैयार कर रही है मम्मी। आटे में घी ही जरूरत है डालना। हाँ, आटा का जब आप डो तैयार करोगे तब उसमें घी से मलोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि घी हमारे लिए फायदेमंद भी है, पर रिफाइंड वगैरह उतना मतलब मुझे नहीं लगता है कि हमारे लिए फायदेमंद है। मम्मी तो जब भी ये बनाती है तो घी में ही बनाती है, क्योंकि मम्मी हमारे घर में मम्मी खुद से ही घी निकालती हैं, तो अच्छे मात्रा में घर में घी है तो मम्मी घी में ही बनाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मम्मी हाथों से दाब दाब कर मम्मी निकाल रही है। घी गर्म नहीं हुआ है, गर्म होगा तो मैं डाल दूंगी। अब मम्मी डाल रही हैं इसको कढ़ाई में। ये एक पहले मम्मी ने डाला था घी को चेक करने के लिए कि घी गर्म हो गया है ना, उसके बाद मम्मी ये डाल रही हैं। इसको मम्मी हल्के हीट पर आप पकाएंगी या फिर तेज हीट पे पका रही हैं? मीडियम, लो मीडियम फ्लेम पे मम्मी इसको पका रही हैं। मैं आप अब ये एक तरफ से तैयार हो गया, मम्मी से धीरे धीरे पलट रही हैं और दूसरे तरफ पकाएंगी इसे। फिर मम्मी इसको कितने देर तक छोड़ेंगी? लाल होने तक। धीरे धीरे पका रहे हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये अब अच्छे से पक के तैयार हो गया है और मम्मी इसको एक बार और पलट रही हैं, बट ये अब अच्छे से पक चुका है ना मम्मी? हाँ। थोड़ा टाइम लगा है, 7 से 10 मिनट लगभग लगा है, बट ये अच्छे से पक गया है और खाने में भी काफी टेस्टी लगता है। ठंडा होने के बाद क्रिस्पी हो जाता है। हाँ, और ये ठंडा होने के बाद क्रिस्पी हो जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है। शाम के टाइम नमकीन के साथ बहुत ही मजा आता है, कोई गेस्ट आता है तो नमकीन के साथ इसे रखो। अब मम्मी इसको निकाल रही है। साथ में हमारा खाना भी बन रहा है रात का। और ये जब ठंडा हो जाएगा लगभग 10 से 12 मिनट के बाद, तब ये काफी क्रिस्पी हो जाएगा और खाने में काफी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आप लोग बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और मम्मी ने बनाया इसे गांव के स्टाइल में जो हमारे बिहार में जहाँ बनता है। मम्मी, बिहार में इसको क्या बोलते हैं? खजूरी बोलते हैं। वैसे हम लोग लखनऊ में रहते हैं, बट हम लोग बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे साइड इसको खजूरिया बोलते हैं, कोई खजूर बोलते हैं, तो हमारे इधर ही काफी फेमस है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट में बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।